मुंबई गया था नौकरी करने के लिए। मालिक के घर में सोना देखाया लालच, लालच में आरोपी बन बैठा नौकर और फिर कर डाला ये कांड। जमुई पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के व्यवसायी के घर से लाखों का आभूषण लेकर भागा था। बताया जाता है कि आरोपी मुंबई मजदूरी करने गया था। युवक अपने मालिक के घर से नगद और सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया था, जिसको लेकर मुंबई में मालिक ने मुंबई के कांदीवली क्षेत्र में अपने नौकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आपको बता दें कि मुंबई में मजदूरी करने के दौरान नगदी और लाखों रुपए का जेवर चोरी कर अपने घर भाग आए चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस संदर्भ में झाझा SDPO रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को SDPO कार्यालय में PC करते हुए चोरी के मामले का उद्भेदन किया। SDPO ने बताया कि मुंबई राज्य के कांदीवली थाना क्षेत्र के निवासी विवेक जगन्नाथ भोले के घर में श्रीकांत यादव, जो चंद्रमणि जिला जमुई का रहने वाला है, वह मजदूरी किया करते थे। अभियुक्त ने बताया कि आभूषण बेचकर नगद रुपए बना लिए हैं। पकड़े गए अभियुक्त के घर से नगदी 8,45,500 रुपए, गणपति की दो मूर्ति, हार एक पीस, नेकलेस, नग और गोल्ड एंड प्लेटिनम चेन, HDFC बैंक बिस्कुट, CM स्विचेज डायमंड बिस्कुट, घड़ी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 35,91,000 और 1,50,000 की घड़ी बरामद हुई है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत TV। देखिए, मुंबई राज्य के कांदीवली थाना क्षेत्र के निवासी विवेक जगन्नाथ भोले के घर से श्रीकांत यादव, पिता चिंतामणि यादव, साकी सबदनीडी थाना चंद्रमंडी जिला जमुई को चोरी किया करते थे। इसी क्रम में श्रीकांत यादव विवेक जगन्नाथ भोले के घर से 41,50,500 रुपये का स्वर्ण आभूषण एवं नगद 2,00,000 रुपये चोरी कर अपने घर लेकर भाग, जिसके संबंध में विवेक जगन्नाथ भोले द्वारा मुंबई राज्य कांदीवली थाना कांड संख्या 1314/22 दिनांक 26/10/22 धारा 381 आदिवी के अंतर्गत विरुद्ध श्रीकांत यादव के दर्ज कराया गया, जिसके अनुसंधान के क्रम में पता चला कि वो लेकर भागा है। इसकी खबर हमारे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुमन को मिला और उन्होंने अपने तंत्र का उपयोग कर पता लगा लिया कि ये जो श्रीकांत यादव है वो भागकर अपने घर पर भी छुपा हुआ, और उन्होंने निर्देश दिया थानाध्यक्ष चंद्रमंडी को कि अभिलंब त्वरित कार्रवाई करें ताकि वो पकड़ा जाए और सामान बरामद हो गया हो सके। इस निर्देश पर चंद्रमंडी थानाध्यक्ष द्वारा वीरभद्र कुमार सिंह द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। उनके साथ ओम प्रकाश प्रसाद और सिपाही धर्म भी, सिपाही सत्येंद्र कुमार सिन्हा, सिपाही दीपक कुमार हवलदार रोहित तिरु के साथ मुंबई पुलिस पदाधिकारी सहायक निरीक्षक हेमंत हीते और निरीक्षक इंद्रजीत उनके साथ आई बल द्वारा संयुक्त छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में श्रीकांत को उसके घर से गिरफ्तार किया गया और उसके घर की तलाशी में क्या कुछ बरामद हुआ सर? हाँ, घर की तलाशी में लूटी गई बहुत सारे गहने और कैश बरामद हुए, जिसको काउंट करने पर कैश 8,46,500 रुपये है। अब तुम कौन ले रहा है? बिल्कुल हो गई, मुंबई में ही बेचा है, मुंबई से। हाँ।